शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन इससे पहले ये फिल्म पिछले एक महीने से विवादों में है। विवादों में रहने के कई कारण हैं, लेकिन शुरुआत फिल्म के गाने बेशरम रंग से हुई। बेशरम रंग गाने में फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को कॉस्ट्यूम और बिकनी के रंग को लेकर कई हिंदू संगठन, संत और तो और बीजेपी के कई नेता इसके विरोध में आए और फिल्म को बॉयकॉट करने के साथ साथ फिल्म को ना चलने देने की धमकी दी। बीजेपी के कई नेताओं ने विवादित टिप्पणी की, जिसको लेकर मीडिया में खूब बवाल हुआ। इसी बवाल का असर था कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी को इन नेताओं को नसीहत देनी पड़ी और पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि एक नेता है जो फिल्म पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते हैं, उन्हें लगता है कि वो नेता बन रहे हैं, लेकिन ऐसे अप्रासंगिक मुद्दे पर बेवजह बयान देने से पार्टी का विकास का एजेंडा पीछे रह जाता है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया, लेकिन वो मानते नहीं हैं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की? इस तरह के बयान देने से सभी नेताओं को बचना चाहिए। पीएम मोदी की इस नसीहत के बाद भी बीजेपी नेता बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते नसीहत दी, लेकिन अभी हफ्ता भी नहीं बीता और बीजेपी का फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से टिप्पणी की है जो वायरल हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार ये बोल दिया कि शाहरुख खान कौन है। सुनिए क्या कहा असम के सीएम ने। बॉयकॉट ट्रेन এটা আৰম্ভ হৈছে সমগ্র দেশ জুৰি শাহৰুখ খানৰ সিনেমা পাঠান যদি এখন শাহৰুখ খান কোন শাহৰুখ খান সুপারস্টার আমি কিয় চিন্তা কৰো আমাৰ ইয়াত কিয়টো শাহৰুখ খান আছে। दरअसल पठान फिल्म और शाहरुख खान के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम बिस्वा ने कहा कि शाहरुख खान कौन है, मैं उनके या उनकी फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। दरअसल मीडिया कर्मी फिल्म को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक थिएटर में हिंसक प्रदर्शन को लेकर बिस्वा से सवाल कर रहे थे। हालांकि इन सब के बीच एक और ट्वीट आया। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद शाहरुख खान ने उन्हें फोन किया और उनसे बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जानकारी अपने एक ताजा ट्वीट में दी। हेमंत के मुताबिक शाहरुख खान ने उन्हें सुबह 2 बजे फोन किया था। शाहरुख ने फोन पर गुवाहाटी शहर के नारेंगी स्थित एक सिनेमा घर में शुक्रवार को हुए हंगामे को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस पर सीएम हेमंत ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है, हम जाँच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं इससे पहले जावेद अख्तर ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड से ज्यादा हमारे स्टार्स की पहचान है, भारतीय सिनेमा का सम्मान किया जाना चाहिए। जर्मनी में लोगों का पहला सवाल यही होता है कि आप शाहरुख खान को जानते हैं, हमारी फिल्में देश के बारे में एक अच्छा संदेश दे रही हैं, यही हमारी ताकत है। लोग हमारे स्टार्स को अगर हेड काउंट करेंगे ना तो हॉलीवुड के स्टार से ज्यादा हमारे स्टार को दुनिया में पहचाना जाता है। वो ठीक है, वो अमीर मुल्क है तो वहाँ पर हर चीज़ का बजट ज़्यादा है, वो अलग बात, लेकिन हमारे जो स्टार, आज आप जाइए इजिप्ट जाइए, आज आप जर्मनी जाइए, छोड़िए एशिया को, तो यू से आई एम एन इंडियन, यू नो शाहरुख, पहला सवाल तो ये होगा। तो हमारे जो लोग हैं और हमारी जो फिल्में हैं वो दुनिया में कितना हमारे मुल्क के लिए गुडविल फैला रही है। वी आर अ मेजर सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की आगामी फिल्म पठान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी फिल्म के सीन और गाने को लेकर हिंदूवादी संगठन फिल्म का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं।